हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 4.1। आज हम नया क्या सीखेंगे? आज हम बेटा दिए हुए सेंटेंस को इक्वेशन में बदलना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में कहा है, इरफान कह रहा है, क्या कह रहा है? परमित के पास जितने कंचे हैं उसके बेटा 5 times और बेटा 7 more कंचे मेरे पास है। फिर क्वेश्चन में कहा है इरफान के पास 37 कंचे हैं। हमें बेटा इक्वेशन बनाना है। आपको बेटा क्वेश्चन में कहा है परमित के कंचे आप m मान लें, तो बेटा परमित के कंचे हमने m मान लिए। अब बेटा क्वेश्चन पे वापस चलो। इरफान कह रहा है परमित के पास जितने कंचे हैं, परमित के पास कितने हैं? m है कंचे, उसका बेटा 5 times, तो बेटा इसमें 5 से कर दो मल्टीप्लाई, हो गया 5 times। 7 more, तो 7 बेटा जोड़ दो, इतने कंचे किसके पास है? इरफान के पास। फिर बेटा क्वेश्चन में कहा है इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो इक्वल टू क्या करेंगे? 37। ये कंचे भी इरफान के हैं और ये कंचे भी इरफान के क्वेश्चन में कहें, तो बेटा इन कंचों की संख्या किसके इक्वल होगी? 37 की। इस तरह से बेटा इक्वेशन क्या बनी? 5m + 7 = 37। अब बच्चों आपको इस सेंटेंस में कहा है लक्ष्मी के फादर की एज 49 years है, ठीक है? फिर उन्होंने कहा लक्ष्मी के जो फादर हैं वह लक्ष्मी का क्या है? 3 times और बेटा 4 more है, तो बेटा आपको इक्वेशन बनाना। आपको क्वेश्चन में कहा है लक्ष्मी की एज आप y ईयर देना। अब ले लेते हैं y ईयर हो गई लक्ष्मी की एज। क्वेश्चन में कहा है बेटा लक्ष्मी के जो फादर है लक्ष्मी से कितना है? 3 times है। लक्ष्मी कितने साल की है? 2 साल की। फादर बेटा उसका 3 times है, तो इसमें 3 से कर दो मल्टीप्लाई, ये हो गया 3 times। और बेटा 4 more है, 4 साल बड़े हैं, तो +4 कर दिया, ठीक है? ये किसकी एज बन गई? ये बेटा उसके फादर की एज बन गई। अब क्वेश्चन में बेटा फादर की एज दी है 49, तो इक्वल टू क्या लिखोगे? 49। क्या बनी इक्वेशन? 3y + 4 = 49। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है एक टीचर अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी के लिए कहती है उसे जितने हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वह बेटा लोएस्ट मार्क्स का 2 times है और बेटा 7 more है। और बेटा आपसे कहा है हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 87। तो बेटा लोएस्ट मार्क्स क्वेश्चन में कहा है आप एल मानिए, लोएस्ट मार्क्स एल। उन्होंने कहा है हाईएस्ट मार्क्स इस लोएस्ट मार्क्स का 2 times है, तो बेटा लोएस्ट मार्क्स में 2 से करा मल्टीप्लाई, हो गया 2 times और बेटा 7 more है, तो +7। ये है बेटा हाईएस्ट मार्क्स। और बेटा आपको क्वेश्चन में हाईएस्ट मार्क्स कितने दिए हैं? 87, तो =87, ठीक है? आप बेटा इसे 2l लिख सकते हो, ये +7 = 87। इस तरह से बेटा सेंटेंस से इक्वेशन बनी। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सम द्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? जिसकी बेटा 2 sides इक्वल होती है, ठीक है? ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक। अब बेटा ये दोनों साइड यदि इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब बी एंगल सी एंगल के इक्वल है। बेटा आपसे कहा है ये जो बेस एंगल है आप इसे बी लेना, बी डिग्री लेना, दोनों को क्या लोगे? बी लोगे, ठीक है? फिर आपसे कहा है ये जो बेस एंगल है उसका 2x दुगना, कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, शीर्ष कोण,
वर्टेक्स एंगल, ये क्या है, ट्वाइस है इनका, मतलब टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू भी हो गया। अब आपको जो जो पता है वह लिख लेते हैं। क्या पता है, एंगल ए बिटा टू बी है, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी बिटा बी है और एंगल सी बिटा बी है। आपको मालूम है ट्रायंगल ए बी सी में तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बिटा टू बी है, एंगल बी बिटा बी है, एंगल सी बिटा बी है, ठीक है। ये दो बी, ये एक बी, एक बी, कितने हो गए, 4b इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से बेटा इक्वेशन क्या बनी, 4b इक्वल टू 180 डिग्री।